नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्निकल कंप्यूटर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टेक्निकल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक प्रोग्राम की वीडियो अपलोड की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए, कोई भी बुक रेडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और कोई भी पैराग्राफ हो उसको एडिट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक पैराग्राफ इंसर्ट करवाते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये फॉर्मूला लगाते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस पेज पे आपको एक पैराग्राफ शो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है। अब हम इस पे एडिटिंग करने की शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल की जो ऑप्शन है वो हम पहले से कर चुके हैं। सेव के ऑप्शन है, ओपन क्लोज के नॉर्मल से ऑप्शन है जो आप पहले कर चुके हो। आज हम होम टैब के सारे इसके ऑप्शन करने जा रहे हैं, इसके सारे टूल्स हम करेंगे होम पेज के। होम पेज में क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम के होम पेज में उस प्रोग्राम से रिलेटेड बेसिक सी जानकारी आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर हम आपको करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, दोबारा से आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेक्निकल कंप्यूटर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब इस पैराग्राफ को मेरे को यहाँ से हटाना है, तो मैं कट जो ऑप्शन है, कट जो हमारे पास टैब है उसका यूज करूंगा और इसको हटा दूंगा। कंट्रोल जो आपकी जो एंडू की जो टिक की होती है उसे आप इसे वापस ला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किया, उसी पैराग्राफ को नीचे क्या कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, आपकी इस कर्सर को कहीं से भी उठाने में आपकी मदद करेगा, सिंपली इसका यूज इसमें नहीं हो पाता। उसके बाद होता है कि इस पैराग्राफ की लैंग्वेज हमें चेंज करनी है, तो आप लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की। आपको बहुत सारे लैंग्वेजेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आता है इस पैराग्राफ का साइज क्या रखना है, डिफरेंट डिफरेंट आपको 8 से लेके 72 तक आपको इसके क्या दिए हुए हैं, साइज दिए हुए हैं। आप 72 तक इसको साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है ग्रो फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट में। इसमें क्या होता है, ग्रो फॉन्ट में इसका साइज बड़ा करेगा, फॉन्ट का इंक्रीज करेगा, और इसमें स्टिक फॉन्ट में क्या होता है आपका, ये इसके साइज को डिक्रीज करेगा। इस पैराग्राफ को बोल्ड करना हो, मतलब कि इसको ये अल्फाबेट्स हैं मेरे को गहरे काले रंग में यानी बोल्ड में दिखने चाहिए, तो आपको ये इसमें दिखेंगे। अगर इसको आप इटैलिक यानी टेढ़ा करके देखना चाहते हो तो आप इसे इटैलिक में देख सकते हो। अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के बिलो में एक अंडरलाइन लगा सकते हो। अगर आप डबल अंडरलाइन का यूज़ करना चाहते हो, डबल अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हो। आप अगर थिक अंडरलाइन का यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, डॉटी डैश डॉटी, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कई अंडरलाइंस हैं। मोर अंडरलाइन में जाके आप यहाँ से कुछ भी अलग अलग अंडरलाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये इफेक्ट एक बार सारे हटाना चाहूँ तो आप ये सारे इफेक्ट हटा भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है स्ट्रिक थॉट। इसके अंदर क्या होता है कि एक लाइन आपकी ड्रॉ कर देगा अल्फाबेट्स के बिल्कुल बीच के अंदर से, क्या कर देगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा अल्फाबेट के बिल्कुल बीच के अंदर से। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इस पैराग्राफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इसके बीच में क्या कर दिया इसने, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसको हटाना चाहो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये एक्स की टू और एक्स की दो में आपका क्या देखोगे कि ये एक स्मॉल लेटर में इनको कन्वर्ट करेगा अल्फ़ाबेट को, और बिलो यानी नीचे की साइड में ले जाएगा और ये अपर की साइड में ले जाएगा। डिफरेंट इतना ही है दोनों में, कोई नॉर्मल सा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे आता है इसके टेक्स्ट के इफेक्ट है कि ये जो हमारे पास सामने टेक्स्ट दिखाई दे रही है, ये अक्सर दिखाई दे रहे हैं, इनका इफेक्ट कैसा आएगा,
डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बहुत सारे इसके इफेक्ट्स है। कोई एक यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट कीजिए, इसकी आउटलाइन कौन से कलर में लेना चाहोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की आउटलाइंस आप यहाँ से शो करवा सकते हो। इस इफेक्ट की शेडो आनी चाहिए तो वो किस अकॉर्डिंग आनी चाहिए, उस शेडो भी आप यहाँ से शो करवा सकते हो। इस इफेक्ट की रिफ्लेक्शन यानी ये वापस प्रतिबिंबित हो वो किस अकॉर्डिंग होगा तो वो कर सकते हो। ग्लो करना चाहो तो इस इफेक्ट का आप ग्लो भी करवा सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये शेप के क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होंगे। कंट्रोल जड़ से मैं वापस चलता हूँ अपने स्टार्टिंग से। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमने क्या किए, इफेक्ट ट्राई किए। नॉर्मल से आप देख सकते हो क्या क्या आपने इफेक्ट ट्राई किए, बोल्ड डिटेलिंग अंडरलाइन स्ट्रिक थॉट एक्सक्यूटिव ये वाले फॉन्ट का इफेक्ट भी वो भी हमने ट्राई किया, कौन कौन से इफेक्ट थे वो भी हमने टेक्स्ट के इफेक्ट भी सारे ट्राई किए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है इसकी जो कैचेस होते हैं कि मतलब कि हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये एक ग्रामर रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि स्टार्टिंग में ओ बड़ा है एंड छोटा डिफरेंट है, इसके जगह जगह कॉमास लगे हुए हैं, जगह जगह इसके डॉट लगे हुए हैं। तो ये सारा कैचेस चेंज करना हो, जैसे लोअर केस बिल्कुल छोटे अक्षरों में आ जाएगा, पूरा का पूरा हमारे पास पैराग्राफ इसमें सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो बड़े अक्षर थे वो उठ गए। अपर केस में क्या होगा कि ये सारे सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस यानी जो कैपिटल में आ जाए आएंगे हमारे पास में। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि सारा पहला का पहला वर्ड होगा वो सभी अल्फ़ाबेट्स का वो बड़ा आएगा इसके अकॉर्डिंग, जिस मान लो मैंने सेलेक्ट किया। इसके अकॉर्डिंग और टूगल केस में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का कोई भी वर्ड का पहला अक्षर होगा वो छोटा आएगा, बाकी सारे बड़े होंगे टूगल केस में, ऐसा होता है। ये कुछ केसेस हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मली हमारा यूज क्या होता है, सेंटेंस केस में होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने टेक्निकल कंप्यूटर इंफोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आगे का पार्ट फ्रेंड्स हम आगे कल दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना है, अगर कोई क्वेरी होती है कमेंट्स बॉक्स में डालें, आपको उस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।